listening to Manoj Sinha. Congress ke adhyaksh Sri Rahul Gandhi ne us samay kaha tha ki 10 din mein agar karja maaf nahi hua to mukhyamantri hata denge. Kai pratishthit samachar mein bhi khabar aayi hai aur kai channelon par aap sabne dekha hai. किसानों की कर्ज माफी केवल एक धोखा है, छलावा है. किसान कर्नाटक में आत्महत्या कर रहे हैं और वहीं उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा रहा है. जो कर्जदार नहीं है उनकी सूची प्रकाशित की जा रही है और पूरी ऋण माफी एक मजाक बन गई. और मुझे लगता है कि अगर लोकसभा के चुनाव न रहते तो शायद सीधे तौर पर कांग्रेस कहती कि हमने कोई घोषणा नहीं की थी माफी की. कांग्रेस के अनेक नेताओं के परिवारजनों के कर्जे माफ किए गए हैं. जो मानक था कि 5 एकड़ से कम भूमि हो और 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, उन मानकों को भी तोड़ा गया है. कुछ उदाहरण पंजाब और राजस्थान के आए हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वयं ये बात कही है कि अब इसकी जांच की जरूरत पड़ गई है. कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के कर्ज 3 लाख रुपए भी माफ किए हैं. पंजाब में कुछ विशेष नाम उभर करके आए हैं जिनके पास 18 एकड़ जमीन है, उनका कर्ज भी माफ किया गया है. ये विवरण है, आप चाहें तो मैं नाम भी दे सकता हूँ. तो ये कांग्रेस की पुरानी आदत है. पहली बार जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय भी कुल कर्जा 6 लाख करोड़ का था, जिसमें महज 60,000 करोड़ रुपया माफ किया गया था. और विदर्भ जहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, वहाँ उन्होंने बड़ा दावा किया था कि हमने किसानों के सारे कर्ज माफ कर दिए. लेकिन आज वो एक बड़ा घोटाला बन गया है, उसकी जांच अभी भी जारी है. मोटे तौर पर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का ये जो सिलसिला है, ये खासतौर से वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष की फितरत में है. आज वो अमेठी के दौरे पर थे और वहाँ कांग्रेस की बात वो कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं का हनन करते हुए प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे. और बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे कि झूठे वायदे करते हो और ऋण माफी की झूठी घोषणा करते हो, ये क्रूर मजाक बनता जा रहा है. ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है और जब देश की जनता या जिन राज्यों में उन्होंने इसी आधार पर विजय पाई है, वहाँ लोग समझ रहे हैं कि ये एक धोखा था और ये झूठे वायदे थे कांग्रेस पार्टी के और उनके अध्यक्ष के. तो कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है कि वो नारा देती है, वोट लेती है और वोट मिल जाने के बाद किसी भी घोषणा पर काम नहीं करती, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो. इन तीनों राज्यों में किसानों की हालत बड़ी खराब है, आत्महत्याओं का बेहद सिलसिला बढ़ता जा रहा है. और विधानसभा के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, सरकारी आंकड़ा दिया कि 800 किसानों का हम कर्ज माफ किए हैं, जबकि चुनाव के पूर्व श्री कुमार स्वामी ने किसान संगठनों से सभी प्रकार के ऋण माफ करने का वायदा किया था. अनेक किसानों की गिरफ्तारी भी कर्नाटक में हुई, ये तथ्य आप जानते हैं. मध्य प्रदेश में 2009 के बाद और 21 मार्च 2018 के पहले लिए गए किसानों के फसली ऋण को माफ करने का वायदा किया गया था. 45 वर्षीय अस्तरिया गांव के आदिवासी किसान ने भी फांसी लगा करके आत्महत्या की है और सुबह 7 बजे उसका शव खेत में एक पेड़ पर पाया गया. राजस्थान में विशेष रूप से डूंगरपुर के गोवाड़ी, नांदोर, जेठना समेत कई गांव में कर्ज माफ किए गए किसानों की सूची दिखाई गई, जिसमें वास्तव में कर्ज लेने वाले किसानों का नाम ही नहीं है, कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम उसमें शामिल किए गए.
बारे में हेलो